इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे बढ़ा लेती है, गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाती है, इसका क्या फर्क पड़ता है, इसको भी अपन एक हेल्प से समझते हैं। देखो गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ाती है, एक्सपेंसेस किस पे करती है गवर्नमेंट, मान लेते हैं रोड पर। अब रोड गवर्नमेंट खुद तो आगे बनाएगी नहीं, ऑब्वियस है, किसी वर्कर से बनवाएगी, इस वर्कर भी पब्लिक से ही होगा, तो इससे क्या होगा कि ये एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहे हैं इससे पब्लिक को पैसा मिलेगा, सही है, क्योंकि वो वर्कर पब्लिक से ही हैं, और इससे पब्लिक के पास मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उनके पास मनी बढ़ जाएगी तो उससे उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है ये मैं आपको बता ही चुका हूं, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती है, उससे इन्फ्लेशन आता है, सही है। नेक्स्ट आपका आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो ये भी कुछ वैसा ही पॉइंट है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी में पैसा ज्यादा लगाएंगे या किन्हीं गुड्स में पैसा लगाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन गैप आएगा। फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स हम चाइना से मान लो कम कर लेते हैं, जब हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम होगा तो हमारे इंडिया में गुड्स जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी, सही, क्योंकि इम्पोर्ट तो हो नहीं रही, तो इससे लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, कि भाई इम्पोर्ट तुम कर नहीं रहे तो हमारी डिमांड तो पूरी हो ही नहीं रही, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं। राइज इन एक्सपोर्ट, हमने इंडिया से ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर दिया, अब इंडिया से जब ज्यादा माल एक्सपोर्ट हो गया तो इंडिया में गुड्स की क्या हो गई, कमी हो गई, फिर ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया में गुड्स की कमी हो जाएगी, गुड्स की कमी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्राइसेस बढ़नी है, इन्फ्लेशन होना ही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की इनकम है 100 और गवर्नमेंट का एक्सपेंस है 120, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को 100 रुपए की इनकम कम है, अब सॉरी 20 रुपए की इनकम कम है, क्योंकि खर्चा तो कर रहे हैं 120, इनकम आ रही है 100, तो गवर्नमेंट को 20 रुपए कम पड़ रहे हैं, 20 रुपए कम करने जो गवर्नमेंट की कम है, गवर्नमेंट का 20 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो चलो अपने पास तो प्रिंटिंग मशीन है, अपन नोट छाप लेते हैं, उन्होंने नोट प्रिंट कर दिए, इससे तो इनकम है गवर्नमेंट की 100 और एक्सपेंस है 120 के, तो गवर्नमेंट के इनकम कम पड़ रही है तो गवर्नमेंट को वो 20 रुपए की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी पड़ेगी नोट प्रिंट करके। अब वो जब वो नोट प्रिंट करके जनता के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पब्लिक के पास पैसे बढ़ जाएंगे, और पब्लिक के पास पैसे बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो नोट प्रिंट करना है ना अपने नुकसान को पूरा करने के लिए, इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि अपने नुकसान को पूरा करने के लिए एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है, इसके लिए नोट प्रिंट करना, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब सर ये एक्सेस डिमांड के कारण क्या होता है, भाई ये सब तो रीजन है, इनके कारण होता है इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पर क्या फर्क पड़ता है, तो देखो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लिखा है डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इकोनॉमी तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है, सारे जने पहले ही काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब आउटपुट और बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कोई जने ही नहीं है जो खाली बैठे हों जो काम कर लेंगे, सो नो इंक्रीमेंट इन आउटपुट, सही है। नेक्स्ट पेज पे अपन आते हैं इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखो एम्प्लॉयमेंट सॉरी, तो लिखा है नो चेंज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्यों, सारे जने पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं और कोई जना खाली बैठा ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं। और जनरल प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो लिखा है क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता तो चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी तो उनकी प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है। नेक्स्ट अपन आते हैं डेफिशिएंट डिमांड पे, अब ये जस्ट उसका उल्टा है, सही है। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है जिसपे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, ये वाई एक्सिस है जिसपे एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, 45 डिग्री एंगल पर ये जा रहा है आपका, सही है, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, ठीक है। तो हमने प्लांट जो किया था एग्रीगेट डिमांड वो तो ये था, लेकिन एक्चुअल डिमांड उतनी नहीं हुई, एक्चुअल डिमांड उतनी नहीं हुई, एक्चुअल डिमांड इतनी ही हुई, तो इस बार इंटरसेक्शन इन्होंने कर लिया यहां, सही है, तो पॉइंट नंबर एफ के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि ये लेवल इतना कम हो गया, डिमांड इतनी कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी तो फिर आपका क्या होगा, उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी,
ये डिफ्लेशन की कंडीशन है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये जो ई से लेके जी तक का पॉइंट है ये डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। तो डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही इंटरसेक्शन यहां हो गया, सही है। यानी हमने सोचा था प्लांट एग्रीगेट डिमांड ये होगी, लेकिन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये हुई है, इस कारण से डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने से क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप आएगा। इट मे बी नोटेड दैट ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट लेवल लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले इक्विलिब्रियम यहां हो गया, इट लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही जो है इंटरसेक्शन हो गया है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। इन दिस सिचुएशन देयर एग्जिस्ट इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। तो सर रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, तो देखो इसके रीजन जस्ट रिवर्स हैं रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड के, जो कि अपन ने यहां पढ़े थे। रीजन फॉर एक्सेस डिमांड है ना, क्या पढ़ा था, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज, इनके जस्ट रिवर्स हैं ये सारे के सारे आपके। देखो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, एमपीसी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंज्यूम करने के लोगों की आदत ही कम हो जाएगी तो डिमांड अपने आप कम होगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स तो बढ़ गए तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड होगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चे कम कर लेगी, खर्चे कम कर लेगी तो पब्लिक के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उससे भी डिमांड क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड होगी। फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट करके हमने चाइना से बहुत सारी गुड्स मंगा ली तो गुड्स जो है वो इंडिया में क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जबकि डिमांड उतनी है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपकी जो है डेफिशिएंट डिमांड होगी। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है, जैसे हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे तो हमारे पास गुड्स ज्यादा हो गई तो इंडियन फैक्ट्री क्या प्रोडक्शन करेगी, कुछ नहीं, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर से गुड्स आने लगे और वो सस्ती भी पड़ रही है, तो इंडियन फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, सही है, क्योंकि अब हम लोगों को निकालेंगे कि हम भाई हमको जरूरत ही नहीं है, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, गुड्स इंडिया में ही रह गई, बाहर गई नहीं, जब बाहर गई नहीं तो इंडिया में गुड्स बढ़ गई, गुड्स बढ़ गई तो वही प्रोडक्शन अब कम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने लग जाएगा, इससे भी क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी। तो जस्ट रिवर्स है, डेफिशिएंट डिमांड जो है वो एक्सेस डिमांड की जस्ट रिवर्स है। इससे इंपैक्ट क्या होगा वो अपन देखें। तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड हो ही नहीं रही, माल बिक ही नहीं रहा, जब माल नहीं बिकेगा तो उससे हमारा स्टॉक बढ़ने लग जाएगा, माल बिक ही नहीं रहा दुकानों में तो दुकानों में माल भरने लग गया, गोडाउनों में माल भरने लग गया। इस कंडीशन में क्या होगा, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम करना चालू करेंगी, प्रोडक्शन कम करेंगी तो प्रोडक्शन आउटपुट अपने आप ही क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इफेक्ट इन एम्प्लॉयमेंट, जब वो प्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो मजदूरों को निकालेगी, मजदूरों को निकालेगी तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आने लग जाएगा। जनरल प्राइस लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्राइसेस क्या होने लग जाएंगी, कम होने जाएगी तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। देन नेक्स्ट पेज पे आपका आ रहा है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का क्या डिफरेंस होता है वो अपन को देखना है। तो देख ये तो डेफिनेशन हो गई, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर और यहाँ एग्रीगेट डिमांड इज लेस, या इन्फ्लेशनरी गैप आता है या डिफ्लेशनरी गैप आता है, या इंडिकेट जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर होता है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे होता है, सही है। इट अकर ड्यू टू एक्सेस इन एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, और यहाँ आता है शॉर्टेज इन एक्सेस, शॉर्टेज इन एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, इससे आपके आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होते हैं। प्राइस पे इससे इन्फ्लेशन आती है और इससे क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल क्या जाता है, कम हो जाता है। तो ये इनके डिफरेंसेस हैं जो अपन को देखने हैं। और देन जो अपन ने पढ़े थे इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, उनकी डेफिनेशन है, द एक्सटेंट टू विच करंट एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो करंट एग्रीगेट डिमांड है
वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से जितनी जो है वो कम पड़ जाती है उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे उसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। और जब करंट एग्रीगेट डिमांड जो है वो हायर होती है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट से, तो इसको क्या कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये दोनों जो हैं ये आपने डायग्राम पिछले पेजों पर देखे थे, ये देखो करंट डिमांड एक्चुअल डिमांड से ज़्यादा है तो इन्फ्लेशनरी गैप है, यहाँ करंट डिमांड एक्चुअल डिमांड से कम है तो ये जो गैप है वो कौन सा गैप है डिफ्लेशनरी गैप है। सही है, तो ये डेफिनेशन से हो गई। आगे आते हैं सर, ये जो सर ये जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होती है उसको मेजर यानी कंट्रोल करने के लिए करेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, तो लिखा है देयर आर टू पॉलिसीज, इसके लिए दो पॉलिसी हैं। पहली होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है आरबीआई, एम फॉर मनी, मनी कौन इशू करता है नोट कौन इशू करता है आरबीआई, तो ये पॉलिसी किसकी है आरबीआई की होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है आरबीआई। पहले ये चैप्टर अपन बैंकिंग के टॉपिक में जो है वो देख भी चुके हैं कि आरबीआई इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाता है। एक तो होती है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो एक तो है आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक आपके होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सही है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट पॉलिसी होती है, उसमें आपकी अपन देखेंगे कि एक्सेस डिमांड में क्या करना है डेफिशिएंट डिमांड में क्या करना है। डेफिशिएंट डिमांड के समय चीप मनी पॉलिसी होती है और एक्सेस डिमांड में डीआरआर मनी पॉलिसी होती है। फिर ओपन मार्केट एक्ट ऑपरेशन आएंगे, फिर सीआरआर आएगा, फिर एसएलआर आएगा, देन क्वांटिटेटिव में अपन मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, मॉरल सुएशन है, ये सब अपन पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, और देन आपका आएगा फिस्कल मेजर्स बाय गवर्नमेंट, ये भी अपन गवर्नमेंट बजट वाला जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपन ने डिटेल में देखा था। तो जो बैंक के जो आरबीआई के हैं अपन सबसे पहले उनको जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटी लेवल पर बैंक जो है आरबीआई जो है हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके के मेजर्स जो है वो करता है। तो देखिए अभी अपन मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको देख रहे हैं और मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड होती है और ये जो पॉलिसी है वो कौन बनाता है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो होती है क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड जो है सबसे पहले अपन वही डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है कि मनी की क्वांटिटी जो है ना उसको कंट्रोल कर लो तो फिर आप जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने दो इक्वेशंस बनाई हैं, पहले जरा इनको देखें। देखिए मैंने ये लिखा है कि पब्लिक जो है उसके पास अगर मनी बढ़ जाए, मनी उसके पास ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो जब जेब में ज्यादा पैसा होता है तो ज्यादा उछलता है, तो उसकी डिमांड क्या होगी जब बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ जाएगी मार्केट में बहुत सारे लोग किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस मार्केट में क्या हो जाती है बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उससे महंगाई आती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये बात ध्यान रख लो, पब्लिक के पास जब भी मनी बढ़ेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी और प्रोडक्ट की प्राइस जो बढ़ जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं। पहली लाइन आपको ये याद करनी है, इस मेथड को समझने के लिए पहले ये दो लाइनें क्लियर कर लो क्योंकि बार बार काम आ रही है। पब्लिक के पास यदि मनी कम हो जाए, अब उसका पैसे ही नहीं है, ठन ठन गोपाल है, जेब में पैसा ही नहीं है, जेब में जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहां से करेगा, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी कम। अब जब डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, लोग प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहते, प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस धीरे धीरे क्या होंगी कम, प्राइसेस कम हो जाएंगी, और जब प्राइसेस कम होती हैं उसी को महंगाई कम होना कहते हैं, इन्फ्लेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन सबसे पहले क्लियर कर लें क्योंकि मैं बार बार इन इक्वेशन पे आऊंगा, तब मैं बार बार इसको नहीं समझाऊंगा, बस मैं सीधे कर दूंगा कि ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन वन डाल देता हूं इसको नाम, और इसको कंडीशन टू डाल देता हूं। सही है, अब मैं सीधे कहूंगा कंडीशन वन अप्लाई हो गई या कंडीशन टू अप्लाई हो गई। तो सबसे पहले जो मेथड आएगा क्वांटिटेटिव का वो आता है बैंक रेट। सही है, तो पहला कॉन्सेप्ट अपन इसमें समझ रहे हैं वो है बैंक रेट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह बैंक रेट होती क्या है। देखिए जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को यानी पंजाब नेशनल बैंक को लोन देता है वो कहलाती है बैंक रेट। जब कभी आरबीआई को लगता है कि यार पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक कमर्शियल बैंक है उसके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं,
तो वो क्या करता है, अपनी बैंक रेट को बढ़ा देता है। जब वो बैंक रेट को बढ़ाएगा तो ये लोन पंजाब नेशनल बैंक को महंगा पड़ेगा, तो पंजाब नेशनल बैंक लोन नहीं लेगा, वो आरबीआई से मनी लेगा नहीं तो इनको देगा कहां से, सही है। तो अब वो लोन कम दे पाएगा, लोन कम दे पाएगा तो पब्लिक के पास मनी क्या होगी, कम हो जाएगी, सही है भाई। बैंक रेट बढ़ गई तो पंजाब नेशनल बैंक को ये लोन महंगा पड़ रहा है, वो लोन नहीं लेगा या कम लेगा, वो लोन कम लेगा जब इसके पास लोन जो है, इसके पास जो मनी है, मैं लोन को मनी कह देता हूं, इसके पास जो मनी है तो बढ़ेगी या कम होगी, सही है। जब बैंक रेट महंगी पड़ेगी तो ये मनी कम लेगा, जब ये मनी कम लेगा तो ये पब्लिक को भी तो कम ही लोन दे पाएगा, तो कंडीशन नंबर टू एप्लीकेबल हो जाएगी, पब्लिक के पास मनी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और यही आरबीआई क्या करे कि बैंक रेट कम कर दे, बैंक रेट कम कर दे, तो इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक को लोन अब सस्ते मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं तो वो ज्यादा लोन लेगा, तो इसका मनी ज्यादा हो जाएगी, और जब इसके पास मनी ज्यादा हो जाएगी तो कंडीशन नंबर वन पे आ जाओ, वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे पाएगा, तो पब्लिक के पास मनी ज्यादा हो जाएगी, पब्लिक की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा, सही है। तो कुल मिलाकर वो आरबीआई जो है ना, बैंक रेट के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक की मनी को कंट्रोल करता है, और पंजाब नेशनल बैंक की मनी को कंट्रोल करता है तो पब्लिक की मनी तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पब्लिक को तो पैसा कहां से मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक यानी कमर्शियल बैंक से ही तो मिलेगा। तो ये रोल होता है किसका, बैंक रेट का, सही है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसमें अपन देखेंगे ओपन मार्केट एक्टिविटी। देखें तो नंबर टू अपन ले रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या, जब कभी आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास मनी ज्यादा है तो वो क्या करता है, आरबीआई पंजाब नेशनल बैंक को कहेगा कि तुम मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो। अब जब पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटी परचेज करेगा तो बदले में मनी इसको देनी पड़ेगी, तो मनी किसके पास आ गई, आरबीआई के पास, और सिक्योरिटीज किसके पास आ गई, पंजाब नेशनल बैंक के पास। अब पंजाब नेशनल बैंक ने जब मनी इसको दे दी तो इसकी मनी क्या हो गई, कम हो गई, और जब इसकी मनी कम हो गई तो पब्लिक को लोन कम दे पाएगा, पब्लिक को लोन कम दे पाएगा तो पब्लिक के पास लोन कम हो जाएंगे, पब्लिक की मनी कम हो जाएगी, कंडीशन नंबर टू एप्लीकेबल हो जाएगी। और यही आरबीआई को लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसे कम है तो वो क्या करता है, ये जो सिक्योरिटीज है पंजाब नेशनल बैंक से वो खरीद लेता है खुद, और बदले में उसकी मनी उसको लौटा देता है। अब मनी सिक्योरिटीज तो आ गई परचेज करने पे आरबीआई के पास, और मनी पहुंच गई पंजाब नेशनल बैंक के पास, इससे पंजाब नेशनल बैंक की मनी बढ़ गई, अब वो ज्यादा लोन दे सकता है पब्लिक को, तो पब्लिक के पास अपने आप ही मनी बढ़ जाएगी और कंडीशन नंबर वन एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी इसमें भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी वो क्या, सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल कर रहा है, और पंजाब नेशनल बैंक की मनी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और कुछ भी नहीं, सही है। आगे देखते हैं।